आप भी जोरो एफएफ की तरह नेक्स्ट लेवल क्वालिटी वीडियो एडिट करके लाखों में व्यूज और हजारों में सब्सक्राइबर ला पाओगे, क्योंकि आज मैं जोरो एफएफ की एडिटिंग सीक्रेट रिवील करने वाला हूं। जोरो एफएफ बाकी यूट्यूबरों को कंपैरिजन में डिफरेंट क्वालिटी के शॉर्ट्स बनाता है, यही कारण है उसके शॉर्ट्स के व्यूज लाखों में जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर से देखना, तभी आप ऐसे एडिटिंग कर पाओगे। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो सबसे पहले आपको आ जाना है कैपकट के अंदर, तो न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने गेम प्ले को यहां पर ऐड कर लेना है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो ध्यान से जरूर से देखना। अपनी वीडियो पे क्लिक करना है और नीचे साइड में स्क्रॉल करना है, एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखेगा जिस पर क्लिक करना है, और जितना मैं इंक्रीज करूंगा आपको उतना भी इंक्रीज करना है। तो ब्राइटनेस को यहाँ पे 10 रखूंगा, आपकी ब्राइटनेस ज्यादा लो है तो 15 भी रख सकते हो, लेकिन मैं रखूंगा यहाँ पे 10। और फिर कॉन्ट्रास्ट को मैं इंक्रीज करूंगा 15। तो अब इंक्रीज करेंगे सैचुरेशन को, आपकी वीडियो में कलर्स कुछ ज्यादा ही लो है तो आपको 35-40 रखना है, और कलर्स ठीक ठाक है तो करीबन आपको 30 या फिर 25 तक रखना है। मैंने रखा 35। फिर मैं यहाँ पर एक्सपोजर को इंक्रीज करूंगा करीबन 5 रखूंगा इसे, शार्पन को आपको पूरा हाई कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हाईलाइट को इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट करीबन आपको 10 तक रखना है, ठीक है। और शैडो को भी हम कर देंगे -10। और फिर क्या करना है, वापस थोड़ा स्क्रॉल करना है, आपको HSL वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको काफी सारे कलर्स दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ क्या करना है, रेड को इंक्रीज करना है, उसके नीचे वाली लाइन को भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है। इससे होगा ये जो भी आपने हेडशॉट मारा वो संतरी रंग में आता है ना, तो वो डार्क होकर एकदम रेड बन जाएगा, ठीक है। अब संतरी को भी इंक्रीज करेंगे 50, उसके नीचे वाले को करेंगे 70। और आपको ऐसे करके पीले वाले पे भी करना है, ग्रीन वाले पे भी करना है, और सारे कलर पे करना है, जितने भी कलर्स आपको दिख रहे हैं 50 और 70 सब में इक्वली इंक्रीज करना। थोड़ा बहुत कम हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम परफेक्ट करना जरूरी नहीं है। और फिर आपको क्या करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देन राइट कर देना। अब हम लगाएंगे इफेक्ट, तो इफेक्ट लगाने से पहले वी पे लगा लेना, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे फिर क्लिक करना, फिर वीडियो वाले इफेक्ट पे क्लिक करके आप सर्च भी कर सकते हो, स्क्रीन पे नाम शो कर रहा होगा, वरना आप यहाँ पे लेंस वाले ऑप्शन में आना, फिर थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको शार्पन इडगेट्स वाला ऑप्शन दिख जाएगा, जिसे आप इजीली उस पर क्लिक करके राइट कर देना। देन एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे फिर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर ब्लर को है ना बिल्कुल लो कर देना है, शार्पन को भी हम कम करेंगे 40 के आसपास रखेंगे, 40 ही रखेंगे। और फिर यहाँ पर साइज इंक्रीज कर सकते हो यहाँ पर, या फिर डिक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन आपको डिक्रीज ही करना है, 7 रखना है। उसके बाद रेंज को आपको माइनस बिल्कुल नहीं करना है, आपको फुल ही रखना है। और फिल्टर को इंक्रीज करते हो तो डार्कनेस आएगी, और लो करते हो तो थोड़ा सा लाइटनेस आएगी। मैंने तो इसे पूरा कम कर रखा है। और फिर क्या करना है, इफेक्ट को पूरी वीडियो में फैला देना। और एक और मेन काम क्या करना है, वीडियो पे क्लिक करके दोबारा से एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लास्ट में ग्रेन को 50 से 60 रखना है, आपको पूरा 100 नहीं करना है, वरना आपकी वीडियो क्वालिटी बेकार हो जाएगी। और अभी मैं इसे आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा कैसी क्वालिटी बनी हमारी वीडियो की। और एक बात और बता देता हूं, जोरो एफएफ की तरह बिल्कुल एकदम परफेक्ट वैसी एडिटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो ओनली आईफोन या फिर पीसी में, और आपके पास आईफोन या फिर पीसी है तो आपको इफेक्ट में HDR वाला इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है और उसे लगा लेना, तो आपका एकदम परफेक्ट जोरो एफएफ की तरह एडिटिंग हो जाएगी, और आप फाइनल रिजल्ट देख लो बिफोर टू आफ्टर। और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है मेरे को इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करके पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक कर देना पसंद आई हो तो। ऐसी एडिटिंग के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। भाई की तरह आप ऐसे एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करके पहुंचो, मैं वहीं मिलता हूं आपसे।